नेक्स्ट क्वेश्चन द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज गिवन बाय यू इज इक्वल टू ए बाई एक्स टू द पावर ट्वेल्व माइनस बी बाय एक्स टू द पावर सिक्स वेर ए एंड बी आर पॉजिटिव कांस्टेंट एंड एक्स इज डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स हमें ये बताना है द एटम इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम वेन ये हमारी चार कंडीशन दी हुई हैं कि इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होएगी कि हमारा एटम इक्विलिब्रियम स्टेट uh, में है नाउ यहाँ जो सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं जो अपना यू uh, दिया हुआ है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दैट इज ए एक्स टू दावर ए एक्स टू दावर ट्वेल्व माइनस बी एक्स टू दावर सिक्स ये अपने को दिया हुआ है नाउ स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए हमें ये बात कंडीशन पता है कि आपका जो फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स डी यू बाई डी एक्स उसकी वैल्यू जीरो होएगी अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो आपका नेट फोर्स उसके ऊपर ज़ीरो होएगा सो so, इस केस में हम ये कह सकते हैं इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें सो so, इसे एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा माइनस ट्वेल्व ए डिवाइडेड बाई एक्स टू दावर थर्टीन माइनस सिक्स माइनस का प्लस हो जाएगा बी एक्स टू द पावर सेवन विल भी इक्वल टू ज़ीरो और इसमें से अगर हम एक्स टू द पावर थर्टीन कॉमन ले लें सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस एक काम करते हैं प्लस सिक्स एक्स टू दावर थर्टीन अगर हम कॉमन ले लें सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस सिक्स हमने कॉमन ले लिया माइनस टू ए ये बचेगा प्लस uh, ये बचेगा एक्स टू दावर थर्टीन हमने कॉमन लिया है सो so ये हो जाएगा बी एक्स टू द पावर सिक्स इक्वल टू ज़ीरो सो इसका मतलब ये है कि या तो अपना ये वाली टर्म ज़ीरो हो ये इसका मतलब एक्स टू द पावर थर्टीन आपका इन्फाइनट हो जाए यानी ये एक्स इंफाइनेट हो जाए या फिर ये वाली टर्म जीरो इस टर्म को जीरो करने का मतलब है टू ए प्लस सिक्स बी एक्स टू द पावर सिक्स इक्वल टू ज़ीरो विच एम्प्लाइज एक्स की वैल्यू हो जाएगी टू ए सिक्स तो हमने कॉमन ले लिया है अलग टू ए डिवाइडिड बाय बी और टू दी पावर वन बाय सिक्स सो ये अपनी कंडीशन uh, आ जाएगी इक्वलिब्रियम की सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए वुड बी द राइट आंसर